जुड़ गए हैं। जसवंत जी हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने हमें कॉल किया है झारखंड से, उनकी परेशानी जान लेते हैं। जसवंत जी स्वागत है, सवाल कर सकते हैं आप। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार जी। हमारा पैर में है ना, आज हमारा वेज हो रहा है 73 जी, पैर पैर बोलिए आगे बोलिए आगे पैर 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 का जलन, पैर पैर में बहुत जलन होता है, लहरता है तलुआ में जी। ठीक है, और देखिए जलन, दर्द, खिंचाव या सुन होना, जिसके भी है आप समझ लीजिए उसको, कमर में रगे दबी हुई है, इसकी चार कैफियत होती हैं, जलन, खिंचाव, दर्द या सुन होना। सुन होने वाला मर्ज और जलन वाला मर्ज काफ़ी देर से ठीक होता है। आप चाहें तो गौंसिया सुबह शाम खाने के बाद आधा आधा ग्राम ले सकते हैं, ये मुश्किल से मिलता है। अगर 100-200 ग्राम भी आपको मिल गया तो आधा आधा ग्राम दो समय नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खाने से, अगर 200 ग्राम भी मिल गया तो ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है जी। रमेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से, इन्होंने हमें कॉल किया है। रमेश जी सवाल कर सकते हैं आप। नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल करें। आदाब रमेश जी। अच्छा, नमस्कार भैया। आदाब भाई, बताइए। हमारा पोता है 16 महीने का। जी हम, हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताएं। अच्छा, हम बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमारा पोता है 16 महीने का, उसको दूध वगैरह जब पिलाई जाती है तो बोलिए बोलिए कुछ। हाँ, तो उसको जब दूध वगैरह पिलाई उलाई जाती है, कुछ खाया मैंने खिलाया पिलाया जाता है ना, तो वो उल्टी कर देता है जी। ठीक है, हाँ इस उम्र में ऐसा होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर आप देखिए सौंफ का पानी बना लें, सौंफ है ना, इसको उबाल के इसका पानी बना लें और फिर इसमें इतना शक्कर वगैरह मिलाएं कि ख़राब ना हो, फ्रिज में रख दें, तो एक दो चम्मच आप इसको रोज़ाना पिला दिया करें, एक वक्त में एक ही चम्मच पिलाएं और दूध पिलाने से पहले पिला दिया करें, इसे खूब मीठा कर लें ताकि वो स्वादिष्ट देख के पी लिया करें। कुछ दिन पिलाएंगे तो आपका पोता और ठीक होना मुमकिन है जी। दुर्गा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, साथ ही वो जानना चाहती हैं अपनी परेशानी का हल। मध्य प्रदेश से वो हमें कॉल कर रही हैं, बताइए किस तरह की परेशानी है आपके साथ। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन पा रहे जी, सवाल करें। मौजूद है साथ ही परेशानी का हल मध्य प्रदेश से वो हमें। आप टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए और हमसे सवाल कर सकते हैं। है 2 साल से। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सवाल करें। आपने प्रोग्राम जाम कर दिया, आप अपना सवाल करिए। दुर्गा जी सबसे पहले तो टेलीविजन की वॉल्यूम आप कम कीजिए, सवाल करें और उसके बाद टेलीविजन की वॉल्यूम बढ़ा लें, क्योंकि हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, और सवाल पूछें अपना। मेरे को शुगर है करीब 2-1.5 वर्ष से जी। हाँ तो कभी कभी बहुत हाई भी हो जाता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 52 वर्ष। 52 साल की है और काफी परेशान है। दुर्गा जी 5 बार गर्म पानी पिया करें, खूब गर्म गर्म, 1 घंटा पैदल चला करें धूप में, नहीं चल सकते तो धूप में साली बैठ जाया करें, जितना आप भोजन करते हैं उससे आधा कर दीजिए, और चाहे फिर 2-3 घंटे बाद फिर खा लें, लेकिन उतना खाया करिए जितना आप खाते हैं उससे आधा, इससे भी शुगर बहुत कंट्रोल रहती है। जो दवा खाते हैं वो खाते रहिए, और जैतून का सिरका अगर मिल जाए, जैतून का सिरका याद रखें, जैतून का सिरका रात को सोते समय 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, आपकी शुगर स्थिर रहेगी। वो दवा भी खाते हैं वो भी खाते रहिए, और आप
सेहत की जिंदगी गुजार सकते हैं। जी हाँ, वाकई में बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने तमाम जो दर्शक हैं उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जब भी वो हमें कॉल करें अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दें, क्योंकि उनकी बात हम सही से सुन नहीं पाते हैं और ऐसे में इलाज बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो रिक्वेस्ट है कि टेलीविजन का वॉल्यूम कम करें, अपना सवाल करें और उसके बाद वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। एक और दर्शक हैं, शिव कुमार जी ने हमें कॉल किया है दरभंगा से। शिव जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। जी आदम। सर एक्चुअली एक साल से मेरे गले में दर्द कर रहा है। गले में दर्द कर रहा है? हाँ जी सर। और कुछ बताना चाहेंगे? कितनी उम्र है? सर उम्र है 32। ठीक है, देखिए या तो लिसोड़ा आपको मिल जाए, लिसोड़ा ये गोल गोल फल होता है, सूखा हुआ मिलेगा, ये एक चम्मच में, छोटे चाय के चम्मच में जितना आए आप एक गिलास पानी में भिगो दें, फिर एक घंटे बाद इसे उबालें। जब पानी आधा गिलास रह जाए तो इसका पानी आप पी लें और लिसोड़े को फेंक दें। ये अमल आप लगातार एक महीने तक कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हाँ, वाकई में तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं, नाम बताएं और उसके बाद अपना सवाल करें। जी हमारी मैडम को जो है सफेद पानी की दिक्कत। एक बार फिर से सवाल को दोहराएं। जी इनकी पत्नी को समस्या है, सफेद पानी की समस्या बताई है। ठीक है, देखिए महिलाओं को ये समस्या अक्सर पाई जाती है और वो इसका इलाज भी नहीं करती हैं। ये तो अच्छा है पत्नी आपकी कि उन्होंने आपसे शेयर कर लिया, शेयर भी नहीं करती हैं और उससे वो इतनी कमज़ोर हो जाती है, अंदर ताकत नहीं रहती, कमर में दर्द रहने लगता है। तो एक गोंद आता है, गोंद मोरिंगा, ये आप 100 ग्राम 200 ग्राम खरीद लें और रॉ मटेरियल खरीदना, गौन मोरिंगा सफ़ेद और इसको घर में पाउडर बनाएं, आधा ग्राम इसमें से लेकर पानी या दूध में मिलाकर रोज़ पिला दिया करें, आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। जी एक और दर्शक हैं, नागपुर से हमें कॉल किया है, उनकी समस्या क्या है, सवाल क्या है जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, नाम बताइए और उसके बाद अपना प्रश्न कीजिए। रोहिणी यौले। जी रोहिणी जी प्रश्न कीजिए। हमारी समस्या है, हमारे रोज पैर दुखते हैं क्योंकि पता नहीं जी आप सिर दुखता है और मुंह में छाले आते हैं। एज क्या है आपकी? मेरी एज है 15। जी इतनी कम उम्र में इतनी सारी तकलीफ है, ठीक है। एक तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो कुछ दिन के लिए रुक जाइए, और ये जो धनिया है ना ये 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और इन सबको, ये 100 ग्राम और ये लीजिए आप गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बनाएं। गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, लाल वाला नहीं, और आप एक एक ग्राम तीनों टाइम खाने से पहले या बाद में पानी से ले लिया करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी और विनोद जी इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है, विनोद जी सवाल करें। हेलो। सवाल करें आप। मेरा पेट बढ़ रहा है। जी पेट बढ़ रहा है जी। और क्या समस्या है आपके साथ? और कुछ नहीं, एज कम है, एज के हिसाब से मेरा पेट बढ़ रहा है। उम्र कितनी है आपकी? 22। तो देखिए खाने के शौकीन हैं तो अपनी खुराक आधी कर दें, आराम के शौकीन हैं तो एक घंटा पैदल चलना शुरू कर दें धूप में, और ठंडे पानी के शौकीन हैं तो 5 बार गर्म पानी पीने लगिए, इससे भी आपका पेट नियंत्रित हो सकता है और इससे फ़ायदा हो जाना चाहिए।
अगर नहीं हो तो फिर आप के लिए एक घरेलू नुस्खा, आपको लेना है जैतून का नमक, एस्टेक जैतून कह लीजिए, नमक जैतून कह लीजिए या रसायन जैतून, ये देखने में नमक की तरह होता है, खाने में नमकीन नहीं होता। ये आधा ग्राम लीजिए रोज़ाना, एक गिलास पानी में डालिए, एक नींबू निचोड़िए इसमें और रोज़ाना पी लीजिए एक बार या दो बार, आपका पेट आपके नियंत्रण में आना मुमकिन है। जी बाल गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से हमें कॉल किया है, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, प्रश्न पूछें। नमस्कार। नमस्कार जी, प्रश्न पूछें। मेरे मम्मी को जो है ना, जो है दर्द है, पूरा शरीर में दर्द है जी। एज क्या है उनकी? एज है 56 वर्ष जी। लहर भी रहता है, दर्द के साथ लहर भी रहता है। क्या रहता है? लहर भी रहता, जलन रहता, जलन जलन जलन। बहुत देखिए, बहुत मेहनती रही होंगी आपकी मम्मी कभी, और अब वो ज़्यादा मेहनत करना इस उम्र में फिर परेशान करता है। एक बार उनकी यूनानी रिपेयर करा दें, या तो आप उन्हें कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, रोज़ाना सुबह शाम खाने के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध से दें कैप्सूल टी केयर, या फिर कौन स्याह अगर आपको मिल जाए, ये मुश्किल से मिलता है, नकली भी मिल जाता है, तो आधा आधा ग्राम इसी तरह सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद अगर आप देते हैं, तो ये 100 ग्राम कौन भी मिल गया तो ये ख़त्म होने से पहले आपकी मम्मी को फ़ायदा पहुंचा कर ही ख़त्म होगा। वीरेंद्र जी कानपुर से इस वक्त हमें कॉल कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके उनकी परेशानी जान लेते हैं। जी वीरेंद्र जी बताइए। जी नमस्कार जी। जी मतलब लड़की है, मतलब भतीजी है, छोटी सी 4 साल की जी। जी उसको मतलब उसको कितना खिलाओ पिलाओ, उसका शरीर कुछ नहीं बढ़ रहा जाते हैं जी। हाँ देखिए, इस बच्ची को दूध पिलाते हैं तो दूध में, और रोटी खाती है तो रोटी। देखिए एक तेल आता है बादाम का तेल, मीठे बादाम का तेल जो खाने वाला होता है, मालिश वाला मत लेना, वो नुकसान देता है। रोगन बादाम शीरी कहते हैं, यानी मीठे बादाम का तेल 1 चम्मच रोज़ाना या तो दूध में मिला के या रोटी पर लगा के इसको खिलाया करें, बच्ची का सेहतमंद होना मुमकिन है। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरज जी ने हमें कॉल किया है मुरादाबाद से। धीरज जी सवाल कर सकते हैं आप। हेलो जी, सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्ते। जी आदाब। सर ये है कि जैसे मैं कभी कभी ज्यादा चलता हूँ तो मिनिमम भी चलता हूँ या फिर ज्यादा चलता हूँ तो मेरी सांस अचानक फूलने लगती है जी, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कोई दवाई हो तो बता दीजिए। एज आपकी बता दीजिए। मेरी एज 35 है। अच्छा देखिए, खून में चर्बी बढ़ने लगी है मेरे अनुभव के हिसाब से, और चर्बी काटने वाली चीज़ें आप ले सकते हैं। चर्बी काटती कटती है लहसुन से, और हालांकि आपको ये बात बहुत जल्दी होने लगी, ये 40-45 के बाद होता है, तो चर्बी वाली चीज़ें एनिमल फैट बंद कर दें, जैसे दूध घी मक्खन बंद कर दीजिए, और अपने खाने में इतना लहसुन और इतनी अदरक डलवाया करिए ताकि आपका खाने की चर्बी आपकी बॉडी को ना लगे। मैं खुद इस उम्र में 5 से 10 लहसुन रोज़ाना खाता हूँ। जब मेरे सामने खाना आता है तो 5-10 लहसुन छिले हुए होते हैं और मैं एक निवाले में एक चबा के खाता हूँ, ऐसे आप भी करिए, ये एक अच्छा नुस्खा है। और कोई दवा रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं तो जैतून का सिरका ख़रीद लीजिए और 3-3 चम्मच सुबह शाम पानी में मिलाकर पीना, बहुत तेज़ होता है ये, चर्बी का दुश्मन होता है जैतून का सिरका,
दो तीन महीने लगातार लें, पैदल भी चला करें, गर्म पानी भी पिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।